powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. समाचार के लिखे जाने से लेकर उसके प्रकाशित होने तक के सफर में एक पत्रकार की बहुत ही अहम भूमिका होती है। उनको अपने कर्तव्य को निभाते हुए समाज को जागरूक करने के साथ साथ सच को आम जनता के सामने दिखाना होता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट नेशनल फ्री स्पीच अवार्ड से सम्मानित और यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के महासचिव वरिष्ठ पत्रकार श्री रितेश द्विवेदी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने सुना, जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो दैनिक जागरण अखबार के एक वरिष्ठ पत्रकार श्री रितेश जी हैं। और रितेश जी से एक बड़ी अच्छी चीज़ हमको सबको सीखने को मिलती है कि रितेश जी का जो हमारे साथ शूटिंग का टाइम फिक्स था, तो रितेश जी ने उसको जरा सा भी डिले नहीं करा, जबकि उनके हाथ में भी फ्रैक्चर हो गया है। तो स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर, करते हैं सर का इस चीज़ के लिए। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे अभी हमने देखा कि आपके फ्रैक्चर भी हो गया, लेकिन आपने टाइम की पंचुअलिटी को बिल्कुल निभाया चीज़ को। तो सर, ये तो आप कह भी सकते थे कि भाई आज मैं शूटिंग पे नहीं आऊँगा, तो इससे मतलब मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें टाइम के हिसाब से बिल्कुल पंचुअल रहना चाहिए, कि अगर परिस्थिति कुछ भी आ जाए। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा है सर इस काम के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, जो है आपके इस शो में आने का मुझे मौका मिला। और हम लोग जिस क्षेत्र में, वहाँ टाइमिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। जी सर, आपकी एक एक मिनट पर ही आपकी वैल्यू का पता चलता है, खबर की वैल्यू का पता चलता है। लेकिन सर बोलते समय हमने तो आज पहली बार साक्षात चीज को देखा है। थैंक यू। अब ये है कि एक बतौर जर्नलिस्ट अपने आप को 24 घंटे एक्टिव रखना चाहिए, ये बहुत अच्छा जॉब भी है, बहुत जोखिम भरा जॉब है। लिहाजा आपको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है फील्ड में रह के, लेकिन आपको सफलता तभी है जब आप उस खबर तक पहुंच के और लोगों तक वो खबर पहुंचने में कामयाब हो जाए, तभी आप सफल हो पाते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं सफल हो पाए खबर पकड़ने में, तो आपकी मेहनत दो मिनट में ही खत्म हो जाती है, चाहे आप जितना परिश्रम करें, अगर खबर आपको नहीं मिलती है। अच्छा रितेश जी, जैसे हमारा ना टॉक शो है, इस पर हम बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चाएँ करते हैं, और मेन मोटिव हमारा पब्लिक अवेयरनेस पर काम करना। तो जैसे थोड़ा सा तो आप ऑडियंस को पहले ये बताइए कि मतलब आपकी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई और क्या मन में आया आपके? मेरी पत्रकारिता की शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो मैं जब इंटर में पढ़ाई पूरी कर रहा था, उसी समय अखबार में देखा करता था कि जन समस्याओं पे छोटे छोटे चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो लिखने का शौक तभी से हुआ। तो मैं अपने घर परिक्षेत्र आसपास की समस्याओं को लिखकर चिट्ठी लिखकर उस समय में दैनिक जागरण में ही भेजा करता था। तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं दैनिक जागरण जैसे अखबार में काम कर पाऊँगा। तो जो वो हमारे अंदर एक उत्कंठा थी, लिखने की चेष्टा थी, तब मैं लिख के अपनी समस्याएं लिखता था, और बाय चांस कभी 30-40 चिट्ठियां लिखी, उनमें से एक छप जाती थी तो अखबार लेके पूरे उसमें दिखाता कि देखो मेरा नाम छपा है, और लोग भी बड़ा अप्रिशिएट करते थे। उस दौर में ना इंटरनेट मीडिया था ना सोशल मीडिया था, तो हम लोग उसकी कटिंग भी रख लेते थे काट के दिखाने के लिए कि नहीं ये हमने अखबार में छापा है। तो जब इंटर और हाई स्कूल पास करने के बाद ही लिखने पढ़ने का थोड़ा से अंदर से ही लगा कि नहीं कुछ करना है जो है, लेकिन तब तक ये नहीं मालूम था कि हमें पत्रकार बनना है। हर जगह यही सोचा जाता था कि भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, अच्छा रहेगा, आराम से तुम्हारी शादी हो जाएगी, परिवार में सुख संपत्ति रहेगी। पत्रकारिता का कोई वो नहीं था जो है, शुरू से मोटिव नहीं रहा। बाद में जब ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट की और तमाम सारी चीज़ें हुई, हालांकि कई बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किया, तमाम इंटरव्यू दिए, बहुत सारी अड़चने आई, कुछ में पास भी हुआ, लेकिन बाद में लगा नहीं मेरे प्रोफाइल के हिसाब से जॉब सेट नहीं बैठ रहा, तो मैंने जॉब ज्वाइन ही नहीं। लेकिन अब तो सर आप काफ़ी सारे सरकारी अधिकारियों के सामने को नहीं बैठ रोज ही बैठ। हाँ, जाहिर सी बात है। फिर एक क्या हुआ कि हमारे घर पर भी पत्रकारिता का माहौल था, परिवार में बहुत से लोग हैं जो पत्रकार हैं, उनको देखा। और फर्स्ट टाइम मैं 2006-07 में दिल्ली गया, तो मेरे चाचा जी वहाँ पत्रकार थे, तो मैंने उनको देखा, चाची जी भी पत्रकार थी, मैंने उनको देखा।
तो उनको देखने के बाद मन में आया कि नहीं मैं भी अब पत्रकार ही बनूंगा। अच्छा। वहीं से एक्सप्रेस मिल गया जो है कि नहीं नहीं ये आइकान है हमारे, अब ये पत्रकार है तो हम भी पत्रकार बनकर ही दिखाएंगे। अच्छा। उसके बाद से ही जो है फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद जो है पहली बार मैंने नोएडा से ही स्टार्ट की अपनी पत्रकारिता, और वहाँ पर भी इंटर्नशिप दैनिक जागरण में ही की। अच्छा, मतलब शुरुआत से दैनिक जागरण में ही? दैनिक जागरण को ही पकड़ा जो है। हालांकि जो पहली मेरी मतलब ज्वाइनिंग बड़े अखबार में हुई तो एक दूसरे ब्रांड का अखबार था, उसमें ज्वाइन किया जाके। अच्छा। और उसके बाद फिर जो उसमें काम करने के बाद जो है तब मैं जागरण को ज्वाइन किया। तब दैनिक, उससे पहले दो तीन अखबारों का सफर तय किया जो है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहा। अच्छा। और इसके बाद फिर अखबार में लौटा, फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, तो काफी उतार चढ़ाव रहते रहे। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें पिछले 8-9 साल से तो कंटिन्यू प्रिंट मीडिया का ही चल रहा है दौर। तो नितेश जी, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की तारीख में तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, तो कहीं प्रिंट मीडिया तो डाउन नहीं हो रहा उसमें? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों का एक अलग अलग लाइन चल रही है इस दौर में। ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक समय था कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था शुरुआत में, तो लोगों को लगने लगा था अखबार बंद हो जाएंगे, काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे जिस रफ्तार से बढ़ रहा वो भी बढ़ा, और अखबार का जो पाठक है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो भी बढ़ रहा है। हो सकता है वो थोड़ा कम हो, लेकिन आज अगर हम बात करें विश्वसनीयता की, तो वो जो है वो अखबार में ही सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता है। लोग कहते हैं भाई अखबार में छपी खबर है, भाई अखबार प्रिंट मीडिया का विश्वास ज़्यादा है लोगों के अंदर, और प्रिंट मीडिया ने उस विश्वास को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और कंटिन्यू सतत। बिल्कुल, इतने बड़े अखबार के पीछे काफ़ी सारे लोगों की मेहनत रहते हैं बहुत। आपको जो एक खबर दिखती है कि नहीं इतनी छोटी सी खबर है, लेकिन वो कितने चैनलों से होके गुजरती है, कितने लोग उसे पढ़ते हैं, कितना उसको खरा उतारा जाता है एक खबर अखबार में छपने तक। आप बताए मतलब बहुत मतलब कहते हैं ना बिल्कुल अग्नि परीक्षा से गुजरती है। अच्छा। हर एक क्षण में उसके एक एक शब्द का जवाब देना होता है, ऐसे नहीं कि आप लिखा और छप गई। ब्रेन वेव्स के इंटरेस्ट प्रोफाइल टेस्ट के साथ आप अपने बच्चे के कैरियर को नई दिशा देने के साथ साथ उनको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज ही फ्री काउंसलिंग के लिए कॉल करें। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है किसी ने कोई कह दिया भाई यार ये खबर है। हाँ। तो पहले आप उसकी पूरा रिसर्च होगी, दस्तावेज होंगे, आधिकारिक वर्जन होगा, हम लिखेंगे, फिर इसके बाद हमारे ऊपर 10 लोग बैठे हुए उसको चेक करते हुए तब जाके वो अखबार तक पहुंचती है। तो जो ये सिस्टम है अखबार का वो हमारे विश्वास, तो इसमें तो बड़ी मेहनत, मतलब जैसे हम अगर देखें कि 20-30 पेज का अखबार है, 20-25 पेज का अखबार है, तो उसमें तो पूरा कॉलम मतलब पूरा टीम वर्क आपका मतलब, और हर रोज नई चीज़ है। बिल्कुल, हर चीज नहीं है आपको अखबार में, हर दिन आपको मेहनत करनी है। आप कभी क्रेडिट लेने की ना सोचें, आप हमेशा आपको देना है अखबार के लिए, अखबार के लिए। आप ये ना सोचें आज मैंने अच्छा, हर रोज एक नई जंग है। हाँ, हर दिन नई जंग है कि आपने काम एक दिन कर लिया तो चलो आज मैं आराम कर लूँ, ना ना, आपको 24 घंटे 24/7 वर्क करना है, और एक दिन की सफलता आपके जीवन को आगे नहीं ले जा सकती। आपको हर दिन नया करना है, नई सोच डेवलप करनी, नया काम करना है, नए विजन है, और हमें परमानेंट जमीन पे जो बैठा व्यक्ति है उससे लेकर जो ऊपर बैठा कुर्सी में उस तक नजर बना के रखनी है। जब तक हम नीचे से ऊपर तक आपकी पकड़ नहीं होगी, आपको खबर नहीं मिल पाएगी। आपको इसीलिए आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है और अपर वाले आदमी से भी बराबर संपर्क में रहना है, तभी आपको जो बीच का गैप जो है ना, मीडिया स्वतंत्र लोक स्तंभ चौथा स्तंभ, तभी वो हम ही उस गैप को पूरा कर पाएंगे, तभी नीचे की बात ऊपर, ऊपर की बात नीचे आ पाती है। अब जैसे आपने कहा सर कि जो नीचे से ऊपर तक पूरे सबको सेट करना पड़ता है, तो आजकल जो यंगस्टर हैं वो इस चीज़ को बड़ा ग्लैमर समझते हैं, तो ये ग्लैमर का पार्ट है क्या? मतलब कि यार वो कहते हैं कि भाई मैं भी जर्नलिस्ट बन जाता हूँ, कहीं भी मिल लेंगे, किसी भी अधिकारी से मिल लेंगे। आप देखिए मुद्गल जी, कि क्या है कि इस समय देश में एक बहार सी आ गई कि इंस्टीट्यूट खुल गए और तमाम जल निजम के वो कर गए। पत्रकार का जो आपको दिखता है, आपको ग्लैमर जो दिखता है, उसके पीछे बहुत लंबा उसका परिश्रम भी होता है। अब नए लड़के होते हैं, सोचते हैं बड़ा ब्रांड है, चलो भाई सब पहचान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज के दौर में आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, उसके दिल से जुड़ना पड़ेगा, उसके दिमाग से जुड़ना पड़ेगा। आपको खबर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले के दौर में खबरें आती थी आपके पास, अब आपको खबर के लिए जाना पड़ेगा।
पहले लोग बता देते थे, विश्वास था। कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पत्रकारिता का जो एक विश्वास रहता था वो भी कहीं ना कहीं जो स्टिंग ऑपरेशन के जरिए वो खत्म हुए। लोगों की पर्सनल जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो वो कहीं ना कहीं हमारे और एक रिलेशनशिप जो पत्रकारिता में अफसर और पत्रकार का होता उसको बहुत ज़्यादा गैप कर दिया है। आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हम नहीं कहलवा पाते या वर्जन नहीं ले पाते हैं, ये लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है। तो आज पहले की अपेक्षा आज के दौर में आप खबर तैयार करना बहुत बड़ी मुसीबत। पहले होता था कि भाई लिख देते थे, बात कर लिया, फोन उठा लिया, बात। आज के दौर में आप अगर खबर में अधिकारी का वर्जन नहीं दे रहे तो आपकी खबर नहीं ले, वो आप चाहे जितनी मेहनत करें बेकार है। ऑथेंटिक वर्जन चाहिए चाहिए आपको उस पर। और बहुत बार बहुत सारे ऐसे अफसर होते हैं जो बोलना नहीं चाहते, हो गए देते हैं हम इस पर बोलना नहीं, अब हमारी मेहनत बेकार हो गई उसी जगह कि हमने इतनी मेहनत की और वर्जन नहीं मिला। अब इस स्थिति में फिर हम लोगों के लिए वहीं पे जर्नलिज्म शुरू होता है। मान लीजिए कि कोई इंस्पेक्टर नहीं कह रहा तो सीओ से बात करो, सीओ नहीं कह रहा तो एएसपी से बात करो, एएसपी नहीं कह रहा तो एसपी से बात करो, एसपी नहीं बोल रहा तो आईजी से बात करो, आईजी नहीं बोल रहा तो एडीजी से बात करो, और जब एडीजी नहीं बोल रहा तो डीजीपी से बात करो, जब डीजीपी नहीं बोले तो गृह मंत्री से बात करो। वो तुम्हारा चैनल है कि कितना ऊपर तक तुम उसको ले जा सकते हो। और इसी चैनल को, इसी सोच को जब आप लंबी तक करते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपकी खबर ना छपे, छपेगी, जितना ऊपर जाओगे उतनी मजबूती से छपेगी। पत्रकारिता पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन पत्रकारिता एक जुनून है। इसे आज के दौर में आप ग्लैमर या एज ए पार्ट ऑफ नौकरी का हिस्सा ना माने, आप इसे जुनून की तरीके से, जब आपके अंदर जुनून पैदा होगा तब आप पत्रकार बन पाएंगे। और आपके अंदर जुनून नहीं तो आप पत्रकार बनना इतना आसान, तो मतलब जो बच्चे बनना चाह रहे हैं अगर वो जुनून है उनके अंदर तभी बने, ग्लैमर को ना देखें। बिल्कुल, वो ये सोच के ना है कि आज हम किसी बड़े ब्रांड में चल रहे हैं, आज ये मैंने डिग्री ले ली और आज चलो पत्रकार बन जाते हैं। डिग्री के अलावा आप ठीक है, आज मास कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन अगर आप 20 साल पहले जाए तो कितने लोगों ने मास कम्युनिकेशन किया होगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टॉप लेवल में पहुंचे या जो रिपोर्टर बने, वो भी सब प्रिंट मीडिया। जो ओरिजिनल आपका जर्नलिज्म है वो प्रिंट में ही है। आपकी लेखनी की ताकत, आपकी शब्दों को पकड़ने की इच्छा शक्ति ही आपको बेहतर रिपोर्टर बनाती है। आप जब तक किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, अखबार का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आप बेस्ट रिपोर्टर नहीं बन सकते हैं जो है। अच्छा नितेश जी, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे दिमाग में कि जैसे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कह सकते हैं, एक मन की शांति का पेज होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो किस लिए होता है? कि ऐसा होता है कि पहले खबरें पढ़नी, मन अशांत हो गया, बाद में शांति आ गई? नहीं, देखिए खबर का हर रीडर अलग अलग होता है। हर बहुत सारे लोग होते हैं कि खेल पेज ही पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि अध्यात्म पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं कि वो तमाम जानकारियां लेना चाहते हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा। तो पाठक वर्ग को देखते हुए अखबार की खबरों का पेज भी डिसाइड होता है। हमारा अखबार एक बच्चा भी पढ़ता है, एक बुजुर्ग भी पढ़ता है, एक रिक्शे वाला भी पढ़ता है, एक ऑटो वाला। अखबार माध्यम सबके लिए है, मतलब हर व्यक्ति के लिए, समाज से जुड़े हर व्यक्ति के, हर जो सूचना चाह रहा है वो अपने से जुड़ी हर सूचना उसमें उपलब्ध हो, ऐसी कोशिश होती है, ऐसा प्रयास होता है हम लोगों का कि जो भी समाज का तबका उस तक सही बात पहुंचे जो है। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने उस काम में सफल होते हैं। जाहिर सी बात है मौजूदा दौर में बहुत सारा जोखिम भी है, पत्रकारिता को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी आज भी आप जीवंत हैं, खड़े हैं, आपका विश्वास जो है बरकरार है अखबार पर, तो ये बड़ी चीज़ है। अच्छा सर, कि जो पत्रकार होते हैं उनकी कलम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है क्या? मतलब मेंटल प्रेशर भी कह सकते हैं, कलम का प्रेशर? देख, प्रेशर तो बहुत होते हैं, आप ऐसा ना मानिए कोई चीज़ प्रेशर में नहीं है। आप हर खबर में प्रेशर है, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन पत्रकारिता का मतलब क्या है कि जो उन प्रेशरों को दरकिनार करके सच्चाई सामने ला दे वो पत्रकार है। लास्ट टाइम मुझे 2019 में मुझे एक अवार्ड मिला, नेशनल अवार्ड मिला। अच्छा। तो वहाँ पर भी मैंने एक काम किया, मुझे एक अधिकारी थी उसकी हकीकत सामने लानी थी, और मुझे बहुत बार का होता है कि मुझे भेष बदलने पड़ते हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा मैं घूमता हूँ आम आदमी बन के, खुद को आम आदमी जब तक बन के रखोगे तब तक तो तुम्हारे पास खबर है, और जिस दिन आप एक अपनी ग्रेड में आ जाओगे, नहीं कि मैं एक ग्रेड में चलूँगा तो आपको खबर नहीं मिलेगी, फिर वही खबर मिलेगी जो खबर
देने वाले छपवाने वाले होते हैं, लेकिन आपको जमीन से खबर लेनी है, गांव की खबर लेनी है, गलियों की खबर लेनी है, तो गलियों के जैसा इंसान बन के आपको घूमना पड़ेगा, उनके बीच में जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। जब आप बैठोगे तब आपको वहाँ की हकीकत पता चलेगी। असली खबरें वही होती हैं, वही असली मेहनत है, वही असली मेहनत है। जब तक आप आम आदमी बनकर आम पत्रकार नहीं बनोगे तब तक आप खास खबर नहीं निकाल सकते। जो है तो खास बनने के लिए आम बनना पड़ता है, बहुत जरूरी। खास बनने के लिए आम बनना बहुत जरूरी। जो ग्लैमर, तो ये ग्लैमर नहीं है, तो बच्चों को मतलब ये समझना चाहिए कि ये ग्लैमर की चीज नहीं है, बड़ा पेशेंस की और बड़ी मेहनत की चीज़ है। पेशेंस है, मेहनत है, जोखिम है और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इसे ये जरिया ना मान लें कि ये हमारी भाई ये नौकरी नहीं है। हम फिर कहते हैं ये नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरी आप 8 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं, 12 घंटे कर लोगे, ओवर टाइम भी मिल जाएगा नौकरी में। पत्रकारिता का कोई समय नहीं है, आप हर क्षण हर मिनट आपको सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। ये एक युद्ध है और ये बिल्कुल सामाजिक तरीके से बिल्कुल लड़ना पड़ता है, जहाँ हर किसी को हमें समझना है, हमें पक्ष भी सुनना है, हमें विपक्ष भी सुनना है, तभी आप पत्रकारिता के धर्म के साथ न्याय कर पाते हैं। अपने खुशी के पल को और भी यादगार बनाएं पर्सनलाइज गिफ्टिंग के साथ। ऑर्डर के लिए आज ही कॉल करें। अच्छा रितेश जी, आज की तारीख में जैसे फेक न्यूज़, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो फेक न्यूज़ बहुत जल्दी आती है, और वो मतलब जैसे किसी पे आई उसने तुरंत उसको फॉरवर्ड करके आगे भेजना शुरू कर दिया। तो ऐसा प्रिंट मीडिया में तो होता नहीं, क्योंकि प्रिंट मीडिया की जो न्यूज़ है वो तो कई चैनल से पास होकर आती है जैसा आपने बताया। तो इसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है कि भाई जो फेक न्यूज़ आ रही है, जो जिससे बहुत हलचल मच जाती है एकदम समाज में, तो उसकी जानकारी कैसे ले पब्लिक की, भाई ये फेक है या क्या है? देखिए क्या होता है कि ये मौजूदा पिछले 4-5 सालों में जो सोशल मीडिया का जब से दौर हुआ और तमाम सारे ऐप आए, इन्हीं दौर में ये सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ों का चलन बढ़ा। और इसमें सबसे जिम्मेदारी हर एक उस आदमी की है जिसके पास वो न्यूज़ पहुँच रही है। आपको अपने सोर्सेस को उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी वीडियो देख लेते हैं, चित्र ले लेते हैं, बिना ये जाने समझे हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें उन सोर्सेस का पता करना चाहिए कि आखिर ये कहाँ से आ रही। हम जैसे लोगों के पास भी बहुत सारी न्यूज आती है, या लोग हमारे पास भी फोन करके पूछ लेते हैं भैया ऐसा है क्या। तो देखिए ये भी एक हमारा काम है, हम उस जगह उस चीज़ को खंडन कर रहे हैं कि नहीं भैया ये गलत है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी कोई भी न्यूज आए, आप संबंधित अफसर, संबंधित विभाग या उसकी वेबसाइट, आजकल तो इंटरनेट का दौर है, सब चीज़ अब ऑनलाइन आदेश अपलोड हो जाते हैं। पुलिस भी इस तरीके की न्यूज़ों का खंडन तत्काल कर देती है ग्रुप में, उनकी वेबसाइट में, ट्विटर में जाके। तो संबंधित खबर को एक बार आप चेक जरूर करें, उनकी वेबसाइट पर चेक, या किसी भी पत्रकार को भेज दें कि भाई वो चेक करके बताए। वो आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। बहुत बार हमारे पास से चीज़ें आती हैं, हम उसको चेक करके बता देते हैं कि ये आजकल देखें तो उसमें न्यूज़ चैनलों में चलता वायरल न्यूज़, हर चैनल ने चलाया। तो वो इसी तरीके खबरों के लिए, लोगों को अवेयरनेस के लिए, तो इसी तरीके हम लोग भी लोगों को अवेयरनेस करते रहते हैं कि भाई ये गलत है। क्योंकि समाज में फेक न्यूज़ से बहुत बहुत तरीके की ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, इससे बहुत दुष्प्रभाव है। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि अभी भी हम उस जो हमारा निचला तबका है वो जो देख लेता है उसे सच मान लेता है। जो पढ़ मोबाइल में आया ये सच होगा, पर उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहे। आप देश के अंदर हो चाहे दुनिया के अंदर हो, फेक न्यूज़ों ने बड़े बड़े आंदोलन खड़े कर दिए और सरकारों को भी बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ा। ऐसे दौर में हर आम आदमी की भूमिका न्यूज़ को लेकर उसे एक बार चेक जरूर करें, क्रॉस चेक जरूर करें, और बिना पढ़े समझे उसको आगे भी ना बढ़ाएं। अच्छा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आप टूल बन रहे हैं उसका। जी बिल्कुल, आप नहीं जाना। और जो फेक न्यूज़ जिसने बनाई है वो भी यही चाह रहा है कि टूल बने आ रहा है। हाँ, वो यही चाह रहा है कि हम ऐसा दे दें कि लोग आगे बढ़ा दें। अच्छा क्या होता है कि जब कोई अचानक से कोई चीज़ पड़ी तो उसको बड़ा मजा आता है बताने में, अरे भैया ऐसा हो गया, अरे भाई साहब ऐसा हो गया। तो क्या होता है वो पूछते फिर क्या, हमें क्या मालूम, ये तो मोबाइल में आया है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक हर खबर को करना चाहिए। तो दोस्तों आपने सुना सर ने जैसे कितनी अच्छी बात बताई कि कोई भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी प्रमाणिकता देखें, उसको कोशिश करें कि कहीं वो गलत तो नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ हो सकता है समाज पर बहुत ज़्यादा एक दुष्प्रभाव डाले। अच्छा रितेश जी, जैसे आपने इतने के काफ़ी सालों से आप इस लाइन में हैं, पत्रकार हैं और एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो कभी ऐसा कौन सा क्षण था जो आपको लगा कि यार ये तो मैंने कमाल कर दिया, मतलब जो आपको लगा हो कि यार आज तो मतलब इतिहास ही रच दिया मैंने, मतलब दिल से खुश थी? कई ऐसे क्षण आए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा यादगार थे। तो उनको 2016 में एक
बुढ़िया थी जो है, वृद्धा थी, लगभग 93-94 साल की थी। अच्छा। तो कहीं अपने परिवार से बिछड़ के ट्रेन से गिर गई कैसे भी करके, तो वो गिर गई थी मूढ़ा पांडे क्षेत्र में। अच्छा। वो राजस्थान की रहने वाली थी और गुजरात की रहने वाली थी, वो तो गुजराती ही बोलती थी और गुजराती उसको, और यहाँ गुजराती लोग समझ नहीं पाते थे। तो यहाँ पर टोल प्लाजा है, वहाँ पर वहाँ के अधिकारियों कर्मचारियों ने उसे रखा और हमको सूचना दी। तो मैंने उसके बारे में लिखा, उसके बारे में बड़ी स्टोरी लिखी और जो वहाँ के टोल कर्मियों से मैंने कहा कि इनको बहुत अच्छे से रखिए और मैं इनको पता करवाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ की हैं। तो हमने उस पर एक खबर लिखी। तो जब वो खबर सर्कुलेट हुई तो उसके परिवार वाले बच्चे आ गए उसको लेने के लिए। हालांकि उस खबर को आने में लगभग वहाँ तक पहुँचने में 15 दिन रखा और उन 15 दिनों के दौरान मैं भी उनसे जुड़ा रहा, बात करता रहा, उस माता जी जो थी उनसे बात करते रहे। तो जब उसका भरा परिवार था, करीब 30-40 सदस्य थे उनके परिवार में, किसी यात्रा पर निकले थे, धोखे से वो ट्रेन से गिर गई थी बुढ़िया। तो वहाँ जब वो अपने परिवार से जिस दिन मिली और जिस समय जाने वाली थी, जब उसने सर में हाथ फेरा और रोई, मारो ढींगरा बोला ऐसा कुछ गुजराती में, तो वो क्षण मेरे लिए सबसे भावुक था कि शायद मेरी कलम का सही वजूआ। आज ये 94 साल की वृद्धा एक अपने परिवार से मिल रही है और एक सही जानकारी मैंने लिखने का प्रयास किया। उस क्षण महसूस हुआ कि नहीं, हमने अपना धर्म सही से निभाया, एक अच्छा काम किया जो है। और दूसरा एक वैसे सर, आजकल अगर कोई गुजराती किसी के सिर पर हाथ फेरते तो उसकी तो बल्ले बल्ले है। बिल्कुल सही, ये तो आपने 2016 में कर लिया। और भी बताइए सर। हाँ, इसके अलावा जब एक और भी, जिस समय एक डॉक्टर साहब थे स्वास्थ्य विभाग के, पशु चिकित्सक थे, उनके द्वारा लोगों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उसको लेकर जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था उसमें भी हमें सक्सेस मिली थी। तो उस समय भी लगा कि नहीं, ये जनहित है, आम लोगों का से जुड़ा मामला था, लोग परेशान थे। तो उस समय भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, ये काम अच्छा किया। इस तरीके से तमाम पर्यावरण को लेकर अभियान चलाए गए, नदी सफाई का अभियान हो, जल सेवा अभियान हो, अखबार भी जन सेवा के लिए लगातार अभियान चलाते हैं लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर अभियान चलाया जो है, पर्यावरण को लेकर अभियान चलाए, पेड़ पौधे। तो जहाँ समाज को जागरण के पास तो बहुत सारे ऐसे सरोकार हैं जो करते रहते हैं, जिससे लोगों को जो है आगे बढ़ने का काम होता रहता है और समाज को जागरूक करते रहते हैं। तो इन सारे कार्यों से जो सोशल वर्क है, ये करने से थोड़ा से आत्म शांति मिलती है। क्या आप अपने काम से अलग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही ब्रेनवेव साथी के साथ जुड़िए और अपने कीमती समय को एक्स्ट्रा इनकम में बदलिए। जी नहीं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, आज हम हमारे शो पे। नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत रितेश, आप तो नामा राशि भी हमारे जो है, आज हमारे नाम से आप स्वयं रितेश का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी पहल है आपको। आपको रितेश मुदगल जी पुनः जो है धन्यवाद जो है कि आपने हमें बुलाया, आमंत्रित किया और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके शो में। अच्छा, आप कुछ उनके, हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूँगा कि देखिए, अब चूंकि मैं पत्रकारिता से हूँ और चूंकि पत्रकारिता के विषय की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो इस क्षेत्र में आना चाह रही है, जो पत्रकार बनना चाह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे समाज में आसपास लोग घूम रहे हैं जो पत्रकारिता की बात करते हैं, ऐसे लोग आप पत्रकार बने तो पूरे जुनून के साथ बने, इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लें कि हम जब तक सक्सेस ना हो तब तक हमें मेहनत करनी है। और आप मेहनत करेंगे, सही दिशा में करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। फेक न्यूज़ से सावधान रहें, और आसपास जो ऐसे लोग घूमते हैं जो खुद को पत्रकार तथा कथित बताते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए कभी जो है। अपने आप को सुरक्षित रखें, समाज को जागरूक करें, यही आपका सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। जी तो दोस्तों, आपने सुना सर ने कितना अच्छा संदेश और कितनी अच्छी बातें बताई, तो इसी के साथ हम अपने शो को समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो को देखा, और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।